प्रस्तुत हेलाणी दल दायित्व नेलेणी हेवीवेट नेता गतकाली बीजेडी पक्षरु दलर नेतामानंकु विभिन्न लोकसभा निर्वाचन मंडळीर पर्यवेक्षक दायित्व दिया जायछि। तेबे एहारि मध्यरे आगुआ साधारण निर्वाचन हेबानेइ चर्चा जोर धरिथिबा बेले बीजेडी आगुआ निज समर सजा आरंभ करिछि। तेबे गत लोकसभा निर्वाचन रे बीजेडी हातरु 8टी सीट खसी जायथिला, किंतु एथर किभलि भाबे अधिकरु अधिक लोकसभा एवं विधानसभा आसन जिति पारिबो बीजेडी सेनेइ बड़ रणनीति प्रस्तुत करिछि दल। एहारि मध्यरे राज्यसभा सांसद मानस मगराज को ब्रह्मपुर लोकसभा निर्वाचन मंडळी दायित्व दिया जायथिबा बेले श्रीमय मिश्र को भुवनेश्वर लोकसभा निर्वाचन मंडळीर पर्यवेक्षक दायित्व दिया जायछि। सेभळे गंजाम जिला खोद मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र होइथिबा बेले आगामी दिन में ब्रह्मपुर लोकसभा क्षेत्र में किभळे बीजेडी दबदबा बजाय रहिबो सेने मानस दायित्व ग्रहण करिसेंति। सेपटे गत वर्ष भुवनेश्वर लोकसभा क्षेत्र बीजेडी हाथ चली जाता एक कारण एथर श्रीमय मिश्र को भुवनेश्वर दायित्व दि जाइछि। आहुरी चारोटी निर्वाचन मंडल में सुशांत राउत अशोक बड़ कुना बिहारी दास एवं आशीष चक्रवर्ती अन्य लोकसभा दायित्व दि जाइछि। एसबू भितर आगुआ निर्वाचन चर्चा होता बेले बीजेडी नुआ रणनीति दल को अधिक लाभदायक हो राजनीति विशारद मैंने मतव्यक्त कर। तेबे ब्रह्मपुर लोकसभा क्षेत्र पर्यवेक्षक भाव मानस मंगराज एवं भुवनेश्वर श्रीमय मिश्र को दायित्व मिलता बेले हिंदोल और ढेकाना विधायक सुशांत राउत अनुगुल कुना बिहारी दास तेलकोई अशोक बड़ परजंग और कामाक्षा नगर पर आशीष चक्रवर्ती दायित्व देछि विजु जनता दल। सेपटे 2024 साधारण निर्वाचन में विजु जनता दल अधिकरु अधिक लोकसभा एवं विधानसभा सीट हातेबा को अंटा भिड़ीबा प्रतिक्रिया रखिछन्ते दलर विधायक एवं सांसद। आपण को एति कहबी माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक महोदय जो आशा प्रकाश करी मते दुईटी निर्वाचन मंडल दायित्व देते निश्चिंत भाव में ताहा किभली भाव में आगामी दिन में आहुरी सुसंगठित हेब आहुरी मजबूत हेब से निश्चिंत चेष्टा रहिबो। खाली लोकसभा बोले नहीं खाली विधानसभा बोले नहीं आमर दलर संगठन को मजबूत करने निश्चित भाव में आगामी दिन में बहुत कम समय निर्वाचन होगा जाऊँगी। निश्चित भाव में आम दल विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र में कन्सेंट्रेट कर भाववार किसी नहीं बहुत आम संगठन को काफी निर्वाचन मंडल मजबूत अच्छे आगामी दिन में मजबूत कर। ब्यूरो रिपोर्ट सनस्टार टीवी।